अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगी स्टेशनरी का टूर। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं कुछ क्रियॉन्स। ये आप देख सकते हैं क्रियॉन्स, ये मैंने परचेज़ किए थे ये केजी से। यहाँ पे हमारे पास एक शॉप है, ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगी। ये हमने 50 के मैंने परचेज़ किए थे, ठीक है। अभी हम इसको खोल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्रियॉन्स है, कलर करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो नेक्स्ट थिंग अभी हम आपको दिखाते हैं एक पेंट, ठीक है। ये मुझे गिफ्ट में मिले थे पेंट, और ये भी जो मुझे गिफ्ट में ये मुझे मिले थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे सदर से, यहाँ पर एक सदर है वहाँ से हमने इसको बाय किए थे। काफ़ी अच्छी पैकिंग हुई थी, मगर गलती से मेरे इसका शॉपर मॉड गया है, मगर इसकी काफ़ी अच्छी उन्होंने पैकिंग की होती है। ये हमने बाय किए थे, ये काफ़ी अच्छे हैं ये वाले पेंट, ये 300 के मैंने बाय किए थे। और नेक्स्ट थिंग हम आपको दिखाते हैं 2 ग्लिटर्स, जो हमारे टाइप जब हम नीट नोटबुक पर लिखते हैं तो हमारे ये हेडिंग देने में काम आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने ये भी हमने डिस्काउंट में बाय किए थे। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको शॉप का नेम बताया था, केजी उसका नाम है, वहाँ से हमने 50-50 के बाय किए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये कलरफुल टेप्स, ये हम ये भी हमने इधर से बाय की थी। यहाँ आप देख सकते कितनी शाइन वाली कलर इन्होंने, इतनी अच्छी उन्होंने टेप्स इन्होंने बनाई हुई है, मतलब ये आप शाइन है कितनी चमकीली वाली। ये हमने 5-5 की बाय की थी, ठीक है। या आप देख सकते हैं, गिले गाइस एक लाइक प्लीज़ कर दें आपको। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है वो तीन चीज़ें हैं, या आप देख सकते हैं ये हाइलाइटर, ये यूएचयू ग्लू, ये सबसे ज़रूरी काम की चीज़ें ये दोनों होती हैं। क्योंकि हाइलाइटर जो मैम कोई हमें बुक पर पॉइंट हाईलाइट करवाना चाहें तो हम इस वाले से हाईलाइट कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात बता दूँ, आप इसी तरह के येलो हाईलाइटर लिया करें, रंग बिरंगे ना लें, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये अपने सही होते हैं। ये कौन सी कंपनी की है, ये हैं पिकासो कंपनी के ये हाईलाइटर, ठीक है। और ये एक्चुअली भी हमने केजी से बाय की थी, इन दोनों की हम आपको प्राइस बता दें क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हैं। ये 50 की ग्लू हमने ली थी, और ये दोनों ये हमने 100 का, और ये भी हमने 50 की बाय किया था, ये वाइटनर, ठीक हो गया। और नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है हमारे पास एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसके साथ जो है हमारे पास एक मिनी स्टेपलर और बिग स्टेपलर। मिनी स्टेपलर भी हमारे काफ़ी काम आ जाता है ये, क्योंकि हमने जब भी हमारे पेपर हो तो हमारे पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा स्टेपलर होना चाहिए, टाइम कम रह जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 100 का बाई किया था, ठीक है। और ये बिग वाला स्टेपलर हमने ये 200 का बाय किया था, और इसके साथ ये पिन हमें फ्री में मिली थी केजी से, ठीक है। और ये जो टेप्स हैं, या आप अपने जो हमारी बुक्स होती हैं आप उनके लगा कर उनके ऊपर शीट लगा, यानी आप खुद भी घर में बैठ कर बाइंडिंग कर सकते हैं। और साथ में सीधा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप आर्ट में दिलचस्प रखते हैं तो उनको भी हम साइड पर रखते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आ जाती है ये मार्कर, इनमें से कुछ परमानेंट है और कुछ व्हाइट बोर्ड के लिए। देखिए परमानेंट मार्कर, ये दोनों परमानेंट है। परमानेंट मार्कर हमारे काम आते हैं कि जैसा हमने अपनी नोटबुक पर अपना अच्छे से नाम लिखा लिखना, ये उसके लिए दोनों काम आते हैं। ये हमने 50-50 के बाय किए थे, और ये वाले अगर टीचर के क्लास में जरूरत पड़ जाए तो वो बच्चे से मांग लेती हैं, उनके लिए हम रख सकते हैं मार्कर। अगर आपको व्हाइट बोर्ड का शौक है तो आप भी उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने 30-30 के बाय किए थे। अच्छा जी, तो अभी चीज़ हमारे पास आ जाती है ये बड़ी बड़ी स्कॉच टेप। ये काफ़ी अच्छी स्कॉच टेप है, ये हमने ये हमने बाय किए थे जी 300 की, 2 बाय हमने किए थे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अच्छी स्कॉच टेप है, ये जब एक बार हम नोटबुक पर लगा तो कभी उतरती नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो आज हमारे पास शॉपनर,
अक्सर जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो पेंसिल से काम करते हैं, उनके लिए जो सबसे बेस्ट शार्पनर होता है वो ये स्टील का है। आप ये वाला शार्पनर यूज़ किया करो, जो इसके पीछे दो नंबर लिखा हो ना, तो आप ये वाला शार्पनर ज़्यादातर यूज़ करिए। हमने 5x5 की बाइक लिए थे सारे शार्पनर, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग जो आ जाते हैं, अब हमारे पास मार्कर्स। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कुछ मार्कर्स होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ड्राइंग करनी पड़ जाती है, हमें आउटलाइनिंग करनी होती है, इसके लिए मार्कर ज़रूरी है। ये हमने 200 का बाइक लेंगे, अभी तक ये हमारे पास मौजूद है, काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आप इसी तरह के मार्कर्स को यूज़ किया करेंगे, काफ़ी डार्क लिखते हैं, ठीक है। अभी हम आपको नेक्स्ट थिंग दिखाते हैं, कुछ कलर पेंसिल्स। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास तरह तरह के ये कलर पेंसिल मौजूद हैं। आपको इनमें सबसे अच्छे वाला बता दूँ, वो सबसे अच्छे वाला है ये वाला। आप पेंसिल बॉक्स इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें एक ये वाला पेंसिल कलर है आपको नज़र आ रहा होगा ये, अगर हम ये आप देख सकते हैं ऐसे ये काम करता है, ऐसा हम इसको लिखेंगे तो ये रंग बिरंगा। आप ये वाला बाय कीजिए, और ये हमने बाय किया था 200 का, क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं, मेरे पास 2 मौजूद है। और ये वाले आप कभी बाय ना किया करें, ये बहुत अच्छे भी नहीं होते गोल्ड फिश के, ठीक है। और आखिरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, और नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है एक कलर बॉक्स की किट। ये बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो बच्चे अगर बच्चे इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक कलर बॉक्स ले सकती हैं, जो मैंने बाय। ये बहुत अच्छा है, यह खास तौर पर जो बच्चों के लिए काम आता है। ये मैंने बाय किया था 150 रुपये में मिला थे ये बच्चों के लिए। अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं, वाह, ये आप देख सकते हैं इसमें हर चीज़ मौजूद है, आपको लैदा से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक करियन गायब है, और ये आप देख सकते हैं ये इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। ये आप ले लें, काफ़ी अच्छा आता है, इनमें छोटे बड़े साइज भी आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने 150 का बाय किया था। और नेक्स्ट थिंग आखिरी जो हमारे पास चीज़ आने वाली है, कुछ हमारे पास ये थिंग, ये जो आपने एक टॉपिक सुना ही होगा अलजेब्रा, ये उसके लिए खास तौर पर बहुत काम आता है। इसमें जो हमने एंगल्स बनाने होते हैं, कुछ ड्रा करना पड़ता है, या आप उसके लिए ले सकते हैं। ये हमने 200 का बाय किया था, वो भी KG से। आप देख सकते हैं इस तरह के इसके अंदर ये टूल्स इन्होंने पड़े हुए हैं, देखो ये कितने अच्छे। आप इसी तरह की ये ज्योमेट्री लिया करें, क्योंकि काफ़ी स्टील के जो अच्छे जो स्टील के होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ये हमने सदर से ये भी बाय किया था, एक साल हो गया हमने इसको यूज़ कर रहे हैं, और अभी तक ये काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये देखें आप, ये आखिरी चीज़ है हमारे पास एक डायरी। अगर आपको कोई टीचर एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखवा देते हैं, ये उसके लिए डायरी काम आती है आपके लिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखा करें इसी तरह लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।